الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا عشق محبوب میں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے کہتے ہیں کہ وہ لوگ سنور جاتے ہاں یہ
हकीकत है कि वो लोग संवर जाते हैं। पढ़िए इसके महबूब में जो हद से गुजर जाते हैं। मैं जुमला बोले हद से गुजर जाते हैं महबूब दे इश्क दी हद दे वे के दी हद ही कोई नहीं। इतनी देर दे तुसी बैठे हो और मैं थले बैठी हाँ सोचता सा पिया के बंदे कितने सवा अठ साढ़े अठ तशरीफ फरमा ने पांच छे घंटे हो गए बैठे हैं इन्हों थक गए होंगे लेकिन तुहाडे मुस्कुराए चेहरे मुस्कुरांदे होए वकार और पुरानवार मुखड़े तक के इस शेर पढ़न मेरा दिल कीता है तो मैं शुरू कर दिता है। तुसी मोहब्बत फरमाओगे तो इंशाल्लाह मजीद रूहानी अच्छा जाएगा। इश्क़ महबूब में जो जहाँ से गुजर जा जियो जियो सलामत रहो अल्लाह तुहाडियां जुबानां नूं सलामत फरमाए मिलके। इश्क़ महबूब में जो हद से गुजर जाते हैं और ये न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरे ये कहाँ तरह हर दिल में उतर जाते हैं। ये न सोचो के वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ तरह हर दिल में उतर जाते हैं। और देखो जनाबे मोहम्मद अब्दुल सत्तार भट्ट साहेब इन्होंने साहबजादे मोहम्मद अब्दुल वहीद भट्ट साहेब दीगर भट्ट बरादरान ने अपना घर सजाया है माशाल्लाह बुकाए नूर बनया हुआ घर। क्यों सजाया है? एक तो आ घर है एक शाबाश बहुत अच्छे तुसी माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश बैठे हो दो कदम तुसी अग्गे लगदे हो भाई इंशाल्लाह गल करने दा चस आएगी। तवज्जो एक है घर सजे है ते एक अंदर दा घर सजे है। घर सजा के हजरत अंसारी के हजरत अंसारी ने कहा हाँ देख ले ते हैं भला सरकार किधर जा
भला सर आर इधर आते हैं इसके महबूब में जो कते हैं के ये लोग संवर जाते हैं इसके मह अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद ला महदूद दरूद पाक साहिबे लौलाक फखरे मौजूदात बाईसे तखलीके कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात सय्यिदुल अंबिया शाफी रौज़े जज़ा मालिक हरदो सरा सरवरे अंबिया ताजदारे खत्मे नबुवत वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन मिसदाक ततिम्मा अंबिया सनदुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल अंबिया मुसवद्दीकुल अंबिया बाबाए सय्यिदा फातिमतुज़्ज़हरा बुरहान खुदा हबीब किबरिया हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेहि वसल्लम आंदी बारगह आली दुरूद व सलाम दा नजराने यकीदत उल्फत व मुहब्बत पेश करने तो बाद सदर जी वक़ार मेहमानान गिरामी जी वक़ार उलमाए किराम नात खाना ने जी इहतिशाम उशाका ने मुस्तफ़ा बिलखसूस नकीब मिल्लत फसीहुल लिसान बलीगुल कलाम बरादर असगर जनाब अल हाफिज अल क़ारी मोहम्मद आदिल विलायत ख़याल कादरी साहेब दामत बरकातुहुमुल आलिया आशिक़ रसूल गदाए औलाद बतूल मोहतरमी व मुकर्रमी जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार भट साहेब जिना दी रिहाइश गाह थे मैं और आप अहबाब तशरीफ़ फरमावा और मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त महाब जनाब मोहम्मद अब्दुल वहीद भट साहेब और दीगर भट बरादरान मैं अगर सारियां दे नाम अलाउंस ना भी करा मेरे जहन दे अंदर सारियां दे नाम मौजूद ना होन लेकिन मेरा और तेरा यकीद है जिन्हों मैं नहीं जानता मदीने दा ताजदार उन्हों भी जानता है। माशाल्लाह आप वहां बैठे सोने लग दियो पे प्यारे हो मोहब्बत वाले हो और वैसे भी आले नबी औलादी अली फखरुस सादात साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद उमर शहजाद शाह साहेब आस्तान आलिया मुगल चक गुजरांवाला शरीफ आप भी तशरीफ फरमाने अवलन एक जुमला अर्ज करना चाहना जिथे सैयद बैठा होवे ओथे मुस्तफा दी खुसूसी नजर करम हुंदी है जिथे सैयद बैठा होवे ओथे मुस्तफा करीम दी नजर करम हुंदी उंदी वजह मेरा बेटा मोहम्मद अहमद सुल्तानी अगर किते मेहमान बन के चला जाए ड्राइवर मेरा ले जाए मैं फोन करके पूछांगा भाई खैर नल पहुंच गए मेरा ख्याल उधर मेरा तसव्वुर उधर मेरा तखय्युल उधर मेरा ध्यान उधर मेरा इरादा उधर अपनी ईमानदारी नाल दसो मेरा पुत्र जाए तो मेनू ख्याल है मेरा पुत्र खैर नाल अपड़ गया है तो जिथे अली दा पुत्र होवे जिथे नस्ले नबी होवे नबी पाक नु कोई फिक्र नहीं कि मेरा बेटा खैर नाल ही अपड़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बारे दीगर पूरी टीम नु
और बिलखसूस सुन्नी तहरीक दे गयूर नौजवान और मासूमी साहेब दीगर इन्हे अहबाब इन्होंने मुबारकबाद पेश करना और इन्होंने माफिया मुबारक जिन्हों के पुत्र मुस्तफा दी छावनी दे सफाई बन के काम करन। हजरत मोहतरम टाइम अगरचे काफी हो चुके आ, मैं इख्तसार नल ज्यादा गल्ला करने की कोशिश करनी है। दुआ फरमाओ रब्बे जुल जलाल अज़रवे कुरान अज़रवे हदीस हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह साल हा साल तो आप अहबाब की जियारत का मौका भट साहेब अता कर दें और साल हा साल तो ही आशिक रसूल जनाब मुहम्मद इकराम साहेब कादरी जीदा मजदूहू आप दी मुहब्बत भी शामिल हाल ने। और मैं नैट पर वेखे है इन्हों की मूवी जो अपलोड होंगी है तो व्यूवर्स जोड़े ने दूजिया नाल चोखे होंगे। एक और भी वजह वो वजह वे एक तो वह वेंदन कि भाई तकरीर वाहवा लंबी सारी हुई है क्योंकि मैं इतनी लंबी तकरीर नहीं करता, घंटा सवा घंटा मवाद हो बड़ी होंगी। बहरहाल क्योंकि मेरा अपना घर है और सूफी बासीफा सूफी मुहम्मद खालिद सुल्तानी साहब जी मौजूद ने और मैं थोड़ी तवज्जो का तालीबा तवज्जो रखोगे इंशाल्लाह बारीक बातें भी मैं समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबी औला, एदों भी औली बोलोगे तकरीर हो जाएगी, जरा उची बोलोगे तो इंशाल्लाह थोड़ी आवाज औली बोली भी मदीने अपड़ जाएगी, उची बोलोगे सारे की गवाही पै जाएगी। अन्नबी औला खास नबी, तुसी सुभान अल्लाह बोलो ते अगला मंजर जड़ा है वो तुहाडे सामने होना है। अल नबी औला अल्लाह का विर्द आप अहबाब ने जागी रखना है, मिल के मोहब्बत के साथ यक जुबान हो के मिल के कहिएगा अल्लाह हो 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 अल्लाह 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 अल्लाह। साल हा साल से ये खूबसूरत मंजर जो है खूबसूरत ये हुजूर अलैहि सलाम के जिक्र के सदके से साल हा साल की तरह आज भी अपनी रीत को कायम रखते हुए हजरत वाला शान खतीबे पाकिस्तान फखरे पाकिस्तान खतीबे अहले सुन्नत हजरत वाला शान मोहतरम हाफिज इम्तियाज अहमद सुल्तानी साहेब आपको करीम लजपाल आका अलैहि सलाम के जिक्र के तुफैल खूबसूरत मंजर के साथ आपको नवाजा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इल्म व अमल आपके सोज़ो गदाज आपकी उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए, आपका यहाँ आना अपनी अजीम बारगाह कदस में कबूल फरमाए। मोहब्बत और अकीदत के साथ ये खूबसूरत ताजपोशी जो है, मैं तो इसे ताजपोशी ही कहूँगा, ताजपोशी के साथ आपको नवाजा जा रहा है। मालिक कायनात अपनी अजीम बारगाह कदस में कबूल फरमाए। आप नारा बुलंद कीजिएगा मोहब्बत के साथ, नारा तकबीर बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, नारा रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। दुरूद पाक की सबद रात अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अर्ज कर रहे हैं अन नबी औला खास नबी, अल्लाह का कुरान शाहिद है औला, देखिए औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम मोमिना दियां जाना नालों में खास नबी औला है। उची बोलो या अल्लाह, जरा उची सुभान अल्लाह बोले। अज रात नु अख लगे कल मौला अली पाक की विलादत डे सी, रात नु अख लग जे अली पाक की ज़ियारत हो जाए।
अपने वरी बड़े होशियार घाटे का आशक सौदा नहीं करते मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह خالق نے اعلان فرمایا نبی اول بالمؤمنین من انفسهم فرمایا خاص نبی یہ مومنہ لئی اولا ہے مولا آدم نبی تیرا تے خاص ہے نوح نبی تیرا تے خاص ہے شیس نبی تیرا تے خاص ہے ابراہیم نبی تیرا تے خاص ہے حضرت اسماعیل نبی تیرا تے خاص ہے حضرت اسحاق نبی تیرے تے خاص ہے حضرت یعقوب نبی تیرے نے تے خاص نے حضرت یوسف نبی تیرے نے تے خاص نے حضرت موسیٰ نبی تیرے نے تے خاص نے حضرت عیسیٰ نبی تیرے نے تے خاص نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تیرے نے تے خاص نے مولا ہر نبی خاص ہے ایتھے کیڑے نبی دی گل کرنا ہے فرمایا ایتھے اس نبی دی گل کرنا جڑا اخص النبیین ہے جڑا نبیاں وچوں وی خاص نبی ہے مولا حالی وی سمجھ نہیں آئی فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے معراج دا مہینہ ہے 14 رجب المرجب ہے 15 دا چاند طلوع ہو گیا ہے تے اگر سمجھ نہیں آئی معراج دا واقعہ پڑھ اقصا دے وچ سارے نبی اکٹھے نے جنوں جبریل نے ہاتھ جوڑ کے آکھے نا لج پالا کے کھڑے ہو جاؤ ہر نبی خاص ہے محمد سارے نبیاں وچوں خاص ہے شاباش بہت اچھا سنیا تو سن بہت اچھے سلامت رہو اللہ تو سلامت رکھے النبی اولا ہولی بولے ہو النبی اولا جڑا اگلا جملہ بولنا اللہ دی قسم ہے تواڈے دل دی ہوک وچوں وی نکل جائے گا سبحان اللہ خاص نبی اگر الف لام نہ ہوندا النبی دے نال ہوندا نبیون اس تو مراد کوئی آدم دی ذات لیندا پھر بھی ٹھیک سی آدم ثانی دی ذات عبدالستار بٹ صاحب لیندا پھر بھی ٹھیک سی جناب محمد امتیاز سلطانی صاحب ہے میرے ہم نام بھی نہیں اگر اس تو مراد حضرت جد الانبیاء دی ذات لئی جاندی پھر بھی ٹھیک سی نبیون تو مراد حضرت زبی دی ذات لئی جاندی پھر بھی ٹھیک سی اس تو مراد یعقوب و یوسف دی ذات لئی جاندی پھر بھی ٹھیک سی لیکن رب نے ایتھے آکھیا ان نبی اللہ اس نبی دی گل کردا ہے جدا جوڑ رسولاں تے نبیاں دی صف وچ بھی نظر نہیں آوندا اچھا میں بڑے دلائل دیاں بڑا استدلال کراں اوناں کم نہیں کر سکدا جنہ بریلی دا بابا کم کردا ہے اتنا ملکہ میرے کول نہیں جنہ مجدد دین ملت کول ملکہ ہے پھر لوگ اندے بریلی دے بابے دا نام کیوں لیندے ہو میں کہ کوئی جگہ چھڈی ہے بریلی دے بابے نے جتھے بریلی دے بابے نے قلم نہیں اٹھایا النبی اولا اے خاص الخاص نبی اولا اے میں کہ مولا سمجھ نہیں آئی بریلی دے بابے دی آواز آئی نہیں سمجھ آئی تے آو نا میرے بوئے قرآن دی بھی سمجھ آ جائے گی مصطفیٰ دے فرمان دی بھی سمجھ آ جائے گی ہر دیوانہ ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا مولا جنہاں نے ہاتھ بلند کیتے نے تو انہاں دے بختاں بلند کر دے ہاتھ اٹھا کے ہر دیوانہ کوٹ عبداللہ دی سرزمین گجرانوالہ دی دھرتی تے پہلوانہ دا شہر پہلوان بن کے محمد غلام بن کے بولے سبحان اللہ اعلی حضرت نے فرمایا سب سے اعلی والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلی والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا ڈھولا ہمارا نبی دونوں عالم کا ڈھولا ہمارا نبی سب سے اعلی والا ہمارا
जिन्हों पूरा फिक्र नहीं आउंदा है जरूर आखे हमारा नबी सबसे आला ओ आला हमारा। अगर इंज नहीं तो मैं सौखा कट के पढ़ लेना, पूरा फिक्र ना आवे, ये जरूर आखना हर दीवाने ने हमारा नबी हमारा नबी। दावा कर लो सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा। अगर हाथ चुकने ने फिर हर दीवाना हाथ बुलंद करे, हाथ बुलंद करके नबी दी नाज पढ़े मिल के सबसे आला हो आला सबसे बाला हो वाला हमारा। मैं आखांगा सबसे औला हो वाला तुसा सीने दा दौर ला के कहना हमारा नबी मिल के सबसे औला हो वाला नबी सबसे बाला हो वाला हमारा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दौला हमारा नबी दोनों आलम का दौला हमारा। अबे खल्क से आलिया आलिया से रोसर खल्क से आलिया आलिया से रोसर लो से आला सो लो से आला हमारा नबी सबसे आला हो आला। अच्छा मैं ते अपना अकीदा बयान करन लगा जड़ी एक दूसरे मोहब्बत करने ने को मो चाहिए कौन दे हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी हमारा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे हमारा नबी। एक बारी सीने का जोर लाके कह लो सबसे तकबीर
तब समझ लगी तो बुलंद आवाज से जवाब दो हजरत साहब से नारे तकबीर दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हैदरी नारे सुल्तानिया साहबजादा पीर हाफिज मोहम्मद इम्तियाज अहमद सुल्तानी साहब जियो इकराम साहब जियो सलामत रहो इवला मान अल प्यार कर दिन अल्लाह इन्हों नल प्यार कर दे अल्हम्दुलिल्लाह अल फारूक साउंड जिंदाबाद इकराम साहब ते मेरे कहन तो बगैर ही माशाल्लाह इकराम साहब ने राबता कर लेंदे ने इन्हों भी पता लग गया है नारोवाल तो एक नाथ खां हसन पट्टी साहब थले जाके अंदर मैं है कैसा माहौल है बंदे जागते जागते ने उन्होंने आखिया साउंड साउंड देंदे ही नहीं दे पाया काम ही ठीक कर दे भाई अल्लाह हू अकबर अल्लाह ने ऐलान फरमाया नबी व औला बिल मोमिनीन मिन अल्फुसिहिम अल्लाह ने ऐलान फरमाया खासुल खास नबी औलाए औलाए पेगाने मौलवी साहब ने मौलवी कासम नौतरे उसने लिखे है औला बमान आया करावे फरमाया लोगो ये केड़ा खासुल खास नबी है ये मोमिना दिया जाना नालों में ज्यादा करीबे जुमला जाया ना करे आज कोट अब्दुल्ला दी सरजमीन से बैके मुहम्मद अब्दुल सत्तार बड़ साहब दी रहा है शगात नबी दी महफल सजा के आप सज के बैठने वाले हो मेरा जुमला जाया ना करे आज लियाओ कुरान में हाथ रख के जुमला कह देना अल्लाबी वाउले बिल मोमिनीन मिन अल्फुसिहिम फरमाया मोमिना दे नेड़े इन्नी मोमन दी जान ने जिन्ना इना दे नेड़े आमिना दा लाल है ए फुल है ना इहदे विच खुशबू भी है सारे बंदे पजांदे ने है ना खुशबू नजर आउंदी जे है सही की नाम है थोड़ा मोहम्मद नदीम साहब बड़ी जुस्तजू नाल समात कर रहे इस वेले भी दो बजदे हो तो तुसीं इंज समात करो तो यकीनन सरकार दी नजरे करम थले बैठे हो इहदे विच खुशबू है नजर नहीं आउंदी पई तुसीं आखोगे सरकार इहनूं सुंघना पैणा अच्छा इहनूं सुंघीए तो लग जांदा ना पता विच खुशबू है इन्नी करीब है सुंघन की लोड़ है जिन्हू नजला लगा हो सुंघे तो उस आखना मैनू तो नहीं आई भाई नदीम बड़े आराम नाल आखेगा गल सुन सेंसेबल बंदा है तो मैं तेन गल दस दिना ये खुशबू है तेनू नहीं आँदी वजह है भी तेनू नजला लगे अच्छा नबी करीब है तेरी जान नालों भी नेड़े ते मेरी जान नालों भी क्योंकि मोमिना दे जाना नालों भी ज्यादा करीब है आमिना दा लाल ए नजर आउंदा जे पिया बंदे आंदे ने जे नेड़े वे ते विखाओ मैं ख्या जिन्नू नजला लगा होवे फुल दे विच खुशबू होवे ओनू खुशबू नजर नहीं आउंदी ते जिन्नू मुनाफकत दा नजला लगा होवे नबी हाजर होवे ते ओनू नबी नजर नहीं आउंदा क्योंकि इतने मुनाफक बैठे कोई नहीं सारे मुहम्मद आशक बैठे ने हर आवाज राय सुभान अल्लाह हर बंदे दी आवाज बुलंद होवे मोहब्बत ने बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने ऐलान फरमाया नबी औले बिल मोमिनीन मिन अल्फुसिहिम फरमाया खासुल खास नबी नेड़े वे करीबे मोमिना दिया जाना नालो भी नेड़े वे ऐनी मोमल दे नेड़े ओदी जान नहीं उल्दी जिन्ना ओदे नेड़े जाने कायना तुलदा है अल्लाह दी कसम नबी मेरे भी नेड़े वे नबी तेरे भी नेड़े वे आशिको जड़ा वगी बट्टा बेंज करके झूम के खड़े होए ने अल्लाह दी कसम मैं जड़ा जुमला दे लगा सारे झूम जाओगे मेरा नबी ऐना नेड़े वे जो
जुमे दा रोज होवे आज जुमे रात हो गई अगर बंदा नाखून तराश दा होवे थोड़ी जी छिलतर रह जाए बंदा खिचे दर्द होवे जान नु पता लग जांदा है अगर बंदा पैदल चलदा होवे जदों अब्दुल सत्तार बड़ सब गए ने इस्तकबाल करने लई गुनागार दा ते नंगे पैरी चले गए ने अगर माद अल्लाह कोई कंडा चुब जाए पैर ते कंडा चुबे जान नु पता लग जांदा है जान नु पता लग जांदा है तकलीफ उंगली ते होवे जान नु पता लग जांदा है तकलीफ पैर नु होवे जान नु पता लग जांदा है मैं आशकां दे झुरमट विच इक जुमला कहना चाहना अल्लाह दी कसम है तेनू मैनू कोई तकलीफ होवे तेरी मेरी जान नु पता बाद विचों लगदा है अल्लाह दी कसम है हुसैन दे नाने नु पता पहलों लगदा है सलामत रहो तेरी मेरी जान नु कोई तकलीफ होवे ते तेरी मेरी जान नु पता बाद चो लगदा है ते जाने कायनात नु पता अगर ऐसे ही ज़ौक च रहो एक जुमला होर बारीक जिहा कह दे अली ना ना खलोता हुंदा ते टप्पे भी वज सकदे लेकिन जड़ी मैं गल करना चाहना इंशाल्लाह जिस ज़ौक नाल बैठे हो मजीद इंशाल्लाह लज़ीज़ तुहाडे लबा विचों सुभान अल्लाह दी पुकार होवेगी तवज्जो नाल समाज करिया जे मैं अपने घर ते नहीं ना बैठा कुंज है साडा अपने कि मेरे अपने जो अच्छा तुसी अपने घर बैठे हो व्हाट्सएप दा घर है यकीनन व्हाट्सएप दा घर होवे ये भी अपने घर ते नहीं मुबारक छत वालियां नूं जिन्हां दी छत ते हर साल मुहम्मद दा मिला सजाया जांदा है मैं अपने घर कोई नहीं मोहम्मद इकराम कादरी साहब अपने घर कोई नहीं ऐ बेटा अली सूफी खालिद सुल्तानी उमर शाह जी अपने घर कोई नहीं तुसी अपने घर कोई नहीं मोहम्मद इम्तियाज सुल्तानी साहब ये अपने घर कोई नहीं ले आओ कुरान में हाथ रखा मैं अपने घर कोई नहीं तू अपने घर कोई नहीं मेरा नबी तेरे घर विच भी मौजूद है मेरा नबी मेरे घर विच भी मौजूद है हाय अल्लाह जी सलामत या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर हुण मैं इत्थे दलील पेश करा ऐ कोई जोशे खिताबत दा जुमला नहीं हां समझदार लोग तुसी बैठे हो साडे गुजरांवाला दी समाज बड़ी आल है आओ मैं हवाला पेश करूंगा काजी याद मालकी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात नु कोट फरमाया मेरे नबी फरमाया सियाबा जी आका फरमाया जदो घर जाओ ना तो सलाम लिया करो अच्छा तुहाडे ते इत्थे लागे तेरे किते कोई बिलियर्ड क्लब वगैरह कोई नहीं है स्नूकर है छुट्टियां वाला साडे उधर बने ने ते मेरियां बेटियां भी तशरीफ फरमा ने बहना मेरियां माइयां तशरीफ फरमा ने जुमला मैं बड़ा मुहब्बत नाल अर्ज़ करूं अगर तुसी नाराज ना हो ते जी बेगम खाना बना ले खाना बना के फोन करे घर आ जाए ना खाना तैयार हो गया मिल के खाना खाते हैं वो बाहर अपने यारां दोस्तां विच चंगा भला हुंदा है हुज़ूर फरमाया जदों घर जाओ तो सलाम लवो तो चंगा भला हुंदा है जदों दरवाजा नॉक करदा दरवाजा खोलदा तो मूँह हसाने वास्ते नहीं समझाने वास्ते तवज्जो बीवी ने सलाम लई है जवाब देना गवारा नहीं किया ये तुहाडे कोट अब्दुल्ला की गल नहीं मैं अपने महल की गल पे करना ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਨ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਨਾ ਸਲਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਐ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ ਸਿਆਬਰਦ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਨੌਕਰ ਆ ਐਗਰੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਵੀਏ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹਦੀਸ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ
अब्दुल सत्तार बड़ साहब सारे सुभान अल्लाह पे आंदे केड़ा ऐसा वेला आवे ते घड़ी आवे मैं उस वेले सुभान अल्लाह खां उड़ी के छी बस ओदी उड़ीक मुक गई है ए वेला आ गया नहीं तुसी सुभान अल्लाह क्या तुहानू नेकी लभ गई हालियो मैं जुमला नहीं बोलिया अबे सो अगे आउण वाले प्यार ना बोलो सुभान अल्लाह कादिया याद मालिक लिखदे ने जदों घर जाओ मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सलाम लिया करो घर जाने ते सलाम ले ले अर्ज कीती वल्ले लियो दुल्फा वाले आ माजा दिन नवाले आ वतवा दे छिरे वाले आ हामीम दे कुंडला वाले आ अलम नशरा दे सीने वाले आ मक्के वाले आ सोने मदीने वाले आ कमली वाले आ फिर तिल भी सलाम आखिया सलाम अलैकुम या अहल अल बैत ऐ घर वाले हो तुहाडे ते सलाम होवे अर्ज कीती कमली वाले जदो घर वाले घर मौजूद ही ना हो बंदा ताला खोल के आप अंदर एंटर होवे कुंडी खोल के आप अंदर दाखिल होवे घर विच कोई नहीं जंजीर खोल के आप अंदर दाखिल होवे वल्लैलियां दुल्फा वाले उनकी करिए सुनिया जे जुमला मेरे नबी फरमाया फिर भी सलाम लिया करो अल्लाह की कसम मेरा जो नबी दम खीने उनवान जनू मेरे जेड़ा मेनू दिता है अरल में ओ ही करना है लेकिन बेलियो तुहाडे इश्क दी मेराज हो जाएगी सुनिया जे जुमला अर्ज कीती कमली वाले आओ जद घर विच है ही कोई नहीं हुण की करिए फरमाया हुण भी सलाम लवो कमली वाले आओ घर विच बंदा ही कोई नहीं हुण किदे नाल सलाम लवी फरमाया जद घर विच कोई ना होवे फिर मैं मुहम्मद नाल सलाम ले लिया करा अल्लाह जियो बेटा सलामत रहो अल्लाह अकबर घर जाना है जब घर कोई ना हो तो फिर सलाम कि लैनी है इस तो भी अगे बड़ी गल आ गई अलामा खफा जी रहमतुल्लाह अलैह साहिब नसीमुर रियास आपने इहदी अगो तौज़ीह बयान की थी इजाजत वे अरबी इबारत पढ़ा मुतनबी पढ़ने 13-14 साल तकरीर मैं शुरू साल तो करता रहा तवज्जो है हौली जी आखो मैं इस वास्ते औली आखिया तुसा हौली भी आखने मदीने ते आवाज अपड़ जानी है क्योंकि साडा नबी करीब है साडा नबी अल्लामा ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखिया लिया रूहन नबी हाजिरतुन फी बुयूतिल इस्लाम फरमाया शक नहीं करना शक नहीं करना लिया रूहन नबी बेशक नबी दी रूह हाजिरतुन हाजरे फी बुयूतिल इस्लाम हर मुसलमान दे घर दे अंदर मुस्तफा दी रूह मौजूद है मेरा जुमला जाया ना करया जे सलाम लेना सुनते जवाब देना वाजबे अल्लाह दी कसम सलाम गुलाम लवेगा जवाब नबी आदा इमाम दवेगा क्या बात है
हुन सलाम लेनी है ना घर जाके। शाबाश एग्री हो गए, अल्लाह तुहानू सलामत करे। आओ जिन्हों नबी वालों सलाम का जवाब आ जाए। वो बंदा खुदा दी कसम बट बरादरन किड्डा खुश नसीब है। अलामा मुर्गनानी फरमाते ने सलाम लेना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। ते साहिबे शरीयत नबी जदों उन्हां नाल सलाम लई जे आख्या या नबी सलामु अलैका, तो उधर जवाब नहीं आउंदा वा अलैका सलाम या उम्मती। ऐ मेरे गुलाम तेरे ते भी सलाम होवे, ऐ मेरे नौकर तेरे ते भी, उची बोलो ऐ मेरे गुलाम तेरे ते भी सलाम होवे। आओ हदीस समाज फरमाओ, जगह राती मेरा बयान मेरे उस्तादा कोल से, ते मेरे उस्ताद उठ के जदों मत्था बार बार चुमन, तो मैनू एक बंदा आखन लगा अनीश चिश्ती साहब तशरीफ फरमा सन, ते ओ बड़े प्यार नाल फरमा लगे इन्नी तुहाडे नाल मुहब्बत कर दे। ओ मैं कहा ये गुनाहगार नाल बस उस्ताद शफकत फरमांदे ने, उस्तादां दीआं मेहनतां दा सारा फल है, मेहनत ओह करदे रहे ने फल असीं खाने आ पए। डट के कह लो सुभान अल्लाह। सुनिया जे जुमला अलामा खफाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जदों सलाम लवोगे नबी नाल ते जवाब नबी दी रूह दे देगे। हदीस सुनो, मेरे नबी दे कोल ने ज़ाहरी तौर ते 8 दिरहम, किन्ने दिरहम 8। हुजूर जान लगे ने बाजार, जिवे असीं जाने आ इंज नहीं, नजरां ताड़े लगियां हैं, कदी इधर पे वेंदे ने कदी इधर, समझते तुसीं गए हो ना। मेरे नबी दी नजर जमीन वल हुंदी है, खबरां ला मकां ते हुंदियां ने, नजर जमीन वल है खबरां ला मकां दियां ने। हुजूर निकले बट साहब कमीज लैन, आप निकले तो अगे एक बीबी रोवे पई, हजूर फरमाया क्यों रोनी, उस आख्या मेरे को 2 दिरहम सन, मेरे आका मैनू घल्या सी सौदा लैन, तो मेरे वो गुम गए ने, जे मैं खाली घर गई तो मेरा आका मैनू मारेगा। हजूर फरमाया चल चुप कर, रोन वालों नू चुप कराण मैं ही आया। हजूर 2 दिरहम ओहदे हैंडओवर कीते, अलामा साहब उस 2 दिरहम लए चली गई। हजूर ने बाजार विचों 4 दिरहमां दी खरीदी कमीज, तशरीफ ले आए मेरे आका वापिस, वेख्या ते एक ना बंदा नदा पे देवे, ते आखे है कोई मैनू कमीज पहनाने वाला, है कोई मेरा जिस्म ढकने वाला, जेड़ा मैनू कमीज पहनाएगा अल्लाह उन्हें जन्नत दा लिबास अता फरमाएगा। ये दुआवां पे देंदे मेरे नबी कोल आए, मेरे नबी ये नहीं आखिया भाई मैं जन्नत का मालिक हाँ मुख्तार हाँ, मेरे वसीले नाल ते गुलामां नूं जन्नत मिलनी है, तो मैनू जन्नत देन दी है कमीज देन दी की लोड़ है, मेरा मैं तो जन्नत का मालिक मुख्तार हाँ। मेरे नबी ओही कमीज उन्होंने दिती, जांदियां जांदियां ना आखियो केड़ी मां दा पुत्त है, हाय हाय केड़ी मां दा, अल्लाहू अकबर। इजाजत होवे ते सजदा आमीना पाक दी बारगाह खराजे मुहब्बत ना पेश करा। मैं थे आना उना ए दे रोजे जई छा कोई ना हाँ, इंदे रोजे जई छा कोई ना इकराम भाई। मेरे नबी अली सलाम दोबारा बाजार गए, आपने 2 दिरहमां दी फिर कमीज खरीदी, दिल बिच ख्याल आएगा जड़ी पहली 4 दिरहमां दी कमीज महंगी है,
खूबसूरत भी ज्यादा होगी जेड़ी दो दिरमा की कमी दे ए थोड़े मुल दी सोनी भी इनी नहीं होगी अल्लाह की कसम जिदी नस्बत मुहम्मद नाल हो जाए ओदा मुल नजर ही नहीं आउंदा ओ ते अनमोल चीज हो जाती है। मेरे नबी इस्लाम वापिस आए तो वेख्या फिर एक औरत बीमार है थोड़ा जा समान कोल पे है तो रो रही है। मेरे नबी फरमाया क्यों रोनी है गल सलाम दी करना पिया आका जी है ना मेरा जेड़ा मालक है ना वो मैनू मारेगा मैं लेट हो गई हाँ लेट हुई हाँ मैं बीमार हाँ। मेरे आका अली इस्लाम ने फरमाया फिर तो कहती है सोने मेरा वजन चुकने वाला कोई नहीं फरमाया जिदा कोई ना ना चुके हाय 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 अल्लाह जिदा कोई वजन ना ना चुके ओदा वजन आमीना दा लाल उठा लेता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हुजूर ओदा वजन उठाया ओदे नाल टुर पे ते जाके दस्तक दित्ती ते नाल कीते सलाम। मेरे नबी घर वालियां नाल ओ मालिक नाल सलाम ले रहे ने। मेरे नबी फरमाया अस्सलाम वालेकुम या अहलल अहले बैत वाडे ते सलाम आवे ए घर वाले ओ तुआडे ते सलाम आवे। मेरे नबी सलाम फिर फरमाया अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत फिर दरवाजे नु दस्तक दित्ते जदों तीसरी वारी अकाली सलाम ने सलाम फरमाया उन्हें दरवाजा खोलिया देखिया ते जवाब देन वाला मुहम्मद दा गुलाम है। मेरे अकाली सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ औरत तेरी गुलामा है कहंदे कमली वालिया ए औरत मेरी गुलाम है मैं ते तुहाडा गुलाम जुमला जाया ना करे आजे। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ओ मैं तीन बारी सलाम आखिया पहली बारी भी सलाम आखिया तू दरवाजा खोलिया नहीं जवाब नहीं दिता कहंदे कमली वालिया दिता जरूर पर हौली आवाज नाल दिता समझना मेरे नबी नु इलम पाक कोई नहीं। मेरे करीम अली इस्लाम ने फरमाया फिर कहंदे कमली वाले आ जदों तू दी वारी सलाम ले आ मैं ओ तो भी जवाब दिते कमली वाले आ जिन्नू तुसी एक वारी सलाम फरमाओ ओथे अल्लाह दियां रहमतां छमा छम वरदियां ने फिर जिन्नू तुसी तीन वारी सलाम फरमा देवा उथे अल्लाह दियां रहमतां दा किन्ना को नज़ूल हुंदा होवेगा। मेरे नबी फरमाया ए गुलामां नू मुआफ कर दे ए लेट हो गई इनू मुआफ कर दे ए बीमार आने विच लेट हो गई गुलाम दिया अखों विच अथरू डिग पे रो के कहंदे कमली वाले तुसी बेफरमान दे हो मैनू मुआफ कर दे कमली वाले तुसी इहदे नाल आए हो तुसी मुआफी दी गल करदे हो सुनिया मैं मुआफ भी कीते तेरे वसीले नाल इहनू आजाद भी कीते कमली वाले आजाद कीते नाले आजाद भी कीते अपनी ईमान दे नदसिया जे जदों वो औरत आजाद हो गई ते फिर मेरे नबी दे वेड़े नूं दुआवां नहीं दिंदी होवेगी कहंदी नहीं होवेगी इंशाल्लाह तेरा बुआ वसदा रहे। अज असी भी कोट अब्दुल्ला दी सरजमीन ते बह के और अब्दुल सत्तार बट और दीगर बट बरादरान दे रहायश गाह ते बह के
बुलंद आवाज नल नबी दे वेड़े नु दुआवां देवी और तेरी मेरी आवाज अल फरूक सिटी सेंटर वालियां दे थ्रू पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। अल्लाह दी कसम इथों किते होर ना ना अपड़ी मदीने अपड़ जाएगी। इंज करके आखना है सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल जारी हो गए खुश नसीब बंदा जड़ा इश्क रसूल बिच रो लवे दर्द रसूल बिच आंसू बगा लवे हर दीवाना पड़े सदा बसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। अगर हाथ चुकने ने हाथ बुलंद करने ने हर कोई हाथ बुलंद कर ले नबी दी नात जदे दुआ कर ले मिलके आखे सदा वसदा रवे तेरा दवारा या सारे ऑनर मेरे नबी दे जोड़ियां दी तो फैले जिथे कोई परदे हायल हो सकदे ने कमली वाले आ तेरे अगे कोई परदा नहीं या सानू मदीने बुला ले या जमावल विच आ जा तेरी दीद होवेगी गुलामा दीद होवेगी।
हजरत मोहतरम मेरे नबी दे गुलाम, मेरे नबी ने एक बारी दो बारी तीन बारी सलाम आखिया ते गुलाम ने दरवाजा खोल के आख्या लजपाला मैं सलाम मानदा रहा। जवाब बहुत अर्ज करदा रहा लजपाला, पर मैं दरवाजा इस वास्ते नहीं सी खोलिया कि जिथे एक बारी सलाम आख हो रहा चुक चुक के उस जगह वाल वेंदी हैं। ते लजपाला जिथे तुसीं तीन बारी सलाम फरमा लो। और एक होर जुमला समात फरमा लो मेरे नबी दे गुलामो, मैं तुहानू कहां अस्सलामु अलैकुम। ऐ कोट अब्दुल्ला विच बैठने वाले हो तुहाडे ते सलाम होवे। ऐ बट बरादरान दी महफिल सजाई हुई विच आने वाले और रौनक देने वाले हो तुहाडे ते सलाम होवे। रिटर्न अगो तुसीं मियां आखो वा अलैकुम सलाम, मियां सुल्तानी तुम्हें सलामत रहो। हो सकता है मेरी गुनाहगार दी दुआ कबूल ना हो, लेकिन तुसी ते नबी दे आशिक हो जिथे 40 बैठे होने एक तरह रब दा यार हुंदा है ना, तुहाडी ते दुआ कबूल ही कबूल है। ते जदों असीं आखे या नबी सलामु अलैका, सोहणिया तेरे ते सलाम होवे, अगो मेरे नबी फरमान वा अलैक सलाम या उम्मती, ऐ मेरे आ गुलामा तेरे ते भी सलाम होवे। जिन्हों नबी वल्लों सलामती दी दुआ लभ जाए वो दुनिया विच भी सलामत रहिंदा है। इस वास्ते अली हुजवेरी नवाज वेखो अज भी सलामत है, ख्वाजा जमेरी नवाज वेखो अज भी सलामत है, तौसे दे ताजदार नवाज वेखो अज भी सलामत है, सियाल दे लाड़े नवाज वेखो अज भी सलामत है, पीर मुहम्मद बाहून वेखो अज भी सलामत है, और खड़ी दा ताजदार वेखो अज भी सलामत है, मेहरे अली वेखो ते अज भी सलामत है, शेरे रब्बानी वेखो ते अज भी सलामत है, और गौसे जली वेखो ते अज भी सलामत है, ओए मौला अली वेखो ते अज भी सलामत। क्योंकि ए ओ सन जेड़े या नबी सलामु अलैका कहन वाले ने, या नबी सलामो अल्लाह की कसम असा तो जो कबर बच भी जाने ना फरिश्ते आखने इस हस्ती के बारे की आंदा रहे, असा तो व्हाट्सएप उत्थे भी जाके आखने की पूछते रहे हो, कोट अब्दुल्ला विच बह के आंदे रहे सोनिया तेरी दीद होवेगी तो साड़ी ईद होवेगी, अज भी लजपाला तेरे पैर फड़ने नाले यही आखने मर के पहुंचा हूं इस दिल रुबा के वास्ते। सोनिया कबर बच भी आया तो तेरे लिए आया। अल्लाह अकबर। अन्नबी औला मेरा नबी करीब है। अच्छा हाल ही तो मैं मोड नहीं बनाया है। तुसी कहो तो मैं जल्दी छड़ देना, मैं ड्राइवर भी मेरा निश्चित हो रहे हैं तो मैं आप ही जाना है, ड्राइविंग करके मैं कसूर पहुंचना है, लेकिन चूंकि थोड़े नाल साल हा साल तो संगत है तो प्यार चुख है, जिनी देर भी बामा मैनू इंज हुंदा मैं अपने घर ही बैठा। अल्लाह तुहाडी मुहब्बतों की इस्तकामत अता फरमाए। करिए अगे गल, हुण मैं तर्जमा करूंगा एक और एंगल। अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम खासुल खास, नबी मोमिना नू इन्नी अपनी जान अजीज नहीं जिन्ना यामिना दा लाल अजीज है। ये मैनू दसो गाजी कयूम किना विच आया सुनिया विच, ओ गाजी इल्मुद्दीन शहीद किना विच आया शाबाश सुनिया विच, गाजी आमर चीमा किना विच आया, गाजी आमर चीमा भी सुनिया विच, इल्मुद्दीन भी सुनिया विच, ते मुमताज कादरी किना विच आया है, ओ जे मुमताज कादरी भी सुनिया विच, गाजी आमर चीमा भी सुनिया विच, गाजी इल्मुद्दीन भी सुनिया विच, गाजी कयूम भी सुनिया विच, गाजी खुदा बख्श भी सुनिया विच, ते ए मैनू दसो गाजी तनवीर किना विच, ओ भी सुनिया अंदर। सुन्नी माल भी कुर्बान करदे ने मुस्तफा तो अपनी जान भी कुर्बान करदे ने अपनी जान में, इन्हानू इन्ना अपनी जान नल प्यार नहीं जिन्ना इन्हानू आमिना दे लाल नल प्यार है। इसे वास्ते ते गाजीए मिल्लत शहीद नमोसे रिसालत हजरत गाजीए मिल्लत गाजी मुमताज हुसैन कादरी मलकां दा पुत्र अवाना दा लाल, इसे वास्ते जेल विच भी
कहंदा सी या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों खैर, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, नबी का जलवा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ, नबी का जलवा अजमत वाला घर घर पर लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे। अच्छा मेरे भाई है मेरे बेटे, इन्हां दे चेहरे ते दाढ़ी भी मौजूद है, ते यार रसूल अल्लाह दी सदा भी बुलंद कर रहे हैं, बड़ा नाजुक जुमला बोलन लगा उस दाढ़ी वाले नालों। ये दाढ़ी मुन्ना नौजवान भी चंगा है, दाढ़ी रखनी चाहिए, नबी की सुन्नत है, तमाम अंबिया की सुन्नत है। उस दाढ़ी वाले नालों ये बिन दाढ़िया चंगा है, जेड़ा दाढ़ी वाला गुलामी ए रसूल दा दावा करे ते लबई का या रसूल अल्लाह दा नारा ना लाए। ये दाढ़ी मुन्ना चंगा है जेड़ा लबई का या रसूल अल्लाह दा नारा ते लांदा है। जदों या रसूल अल्लाह कहेगा नबी दी नजर होई ते इंशाल्लाह चेहरा भी सुन्नत मुस्तफा नाल मुजयन हो जाएगा। हाथ चुक दियो अली मेरा बेटा, सारे दे हाथ का व्यू लवेगा, तो जदों सीढ़ी बन जाए तो बट साहब के पल्यो अपलोड कर देनी नेट ते वेखो ते अपने घर वाले विखाओ, वेख लो मैं नबी दियां नाता पढ़ने वाला या रसूल अल्लाह कहने वाला, मरने तो बाद मेरा जनाजा भी ओही पढ़ाए, ओए जेड़ा यारवीं पखाण वाला होवे मुहम्मद दी बारहवीं मनान वाला होवे। हाथ चुके या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, पुकारो या पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब। आशिकां दी लिस्ट बड़ी लंबी, आशिके अव्वल सादके अव्वल नक्शबंदियां दा ताजदार सुन्नियां दा पेशवा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल खड़े न। मेरे अकाल इस्लाम ने फरमाया अबू बकर जी सोने आ किड़ी सोनी बोली जी लज पालो, फरमाया अबू बकर तीन चीजा मैनू ते वाह वाह प्यारियां लगदियां ने। बट सब आशिक ने अर्ज की सोने दसो, इंज समझो पीर खिताब कर रहा है
अज तो जिन्हों नाना आंदा हो पीरी है जिन्हों खिताब आज असियाने ये मौलवी होंगे नाराज नहीं हो गए ये मौलवी होंगे मेरी बात याद रखना मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया बा जिल्मो जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो और हर आलिम वली नहीं होता लेकिन हर वली दा आलिम होना जरूरी है हर वली दा आलिम होना जरूरी है। हुज़ूर फरमाया तीन चीजा मैनू बड़िया पसंद ने सिद्दीक मुरीद ते मेरा नबी है जिन्हों बेगाने नहीं आते जगां दा पीर ये मेरा नबी खिताब फरमा रहा है हुज़ूर केड़ी शाय पसंद है फरमाया एक नेक बीवी मैनू बड़ी पसंद है नेक बीवी बड़ी पसंद है हुज़ूर दूसरी चीज फरमाया खुशबू बड़ी पसंद है ए जड़ी धीमी धीमी आ नहीं रही। अच्छा तीसरी चीज सुनिया फरमाया नमाज बड़ी पसंद है जिदे विच मैं मुस्तफा दी अखां दी ठंडक है सारे आशक बैठे हो तुहाडा दिल करदा मेरा भी दिल करदा नबी दी अखां ठंडियां रहन बोलो सारिआं दा दिल करदा फिर पंज वेले दी नमाज पढ़ो मुस्तफा दी अखां ठंडियां रहणगियां। हाँ हजरत अबू बकर सदीक ने हथ बन्ने अर्ज की लजपाला जे तुहानूं तीन चीजा प्यारियां लगदियां ने ना फिर लजपाला मैनू भी तीन चीजा वाह वाह प्यारियां लगदियां। हजूर फरमाया केड़ियां इजाजत होवे ते पढ़ांगे हदीस सुनोगे खुदा की कसम सीने ठंड पै जाएगी हर दीवाने की आवाज है सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने अर्ज कीती वल्लाह अली ज़ुल्फ़ां वाले आ माजांग देने ना वाले आ वदुहा दे चेहरे वाले आ हामीम दे कुंडला वाले आ अलम नशरा दे सीने वाले आ मक्के वाले आ सोने मदीने वाले आ लजपाला जे आपनों तीन चीजा बड़िया प्यारियां लगदियां ने कमली वाले आओ फिर मैनू भी तीन चीजा बड़िया प्यारियां लगदियां ने फिर मैं सदीक बोल रे अल्लाह दा हबीब समात कर रे अबू बकर सदीक ने हाथ जोड़ कर कर दे वाले माजाक देने ना वाले आ मैं अबू बकर दा दिल कर दे कौन इबन थी तख्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हाथ बल कर कर दे वल्लाह ज़ुल्फ़ा वाले आ मेरा दिल कर दे बेटी मेरी होवे लख्त जिगर मेरी होवे नूरे नजर मेरी होवे तीखी मेरी होवे फरमाया सदीक फेर अर्ज की कमली वाले आ बेटी मेरी होवे पर बीवी ते तेरी होवे कमली वाले आ बेटी मेरी होवे पर बीवी आप दी होवे मेरे नबी फरमाया फेर अर्ज की लजपाला अन्नज़रो इला वजहे रसूलिल्लाह कमली वाले आ अख मेरी होवे पर मुख तेरा होवे मेरे नबी फरमाया फेर अर्ज की कमली वाले आ माल मेरो होवे तेरे तो वारदायो वा मेरे नबी दे कदमा में खलो के दलील बनाई है मुहम्मद दे खुदा ने तकदीर बना देती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु अल्लाहु अकबर। पहली की दलील सी नीयत सी सुनिया बेटी मेरी होवे पर बीवी हौली बोलो बीवी तेरी होवे। अगला जुमला सुनो इजाजत दियो ते मैं अपने बाबा जी हुजूर मुरब्बी व मुहसिनी व मुर्शिदी व अभी सुल्तानुल वाइजीन
بابے خطابت استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ پیر محمد مشتاق احمد سلطانی حافظ اللہ تعالی ودام ذلہ آپ دے تھے جملہ نہ پڑھا اوئی تے سارا کچھ میرے بابے دی محنت اے پڑھا جملہ خدا دی قسم ہے میری مائیاں بہنیں تشریف فرمانے آپ ہی تشریف رکھ دیو دل نرم نہ ہوئے تے میرے بابے دی محنت اس پر ہے کہ سنیا جو جملہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال جدو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پاک دا نکاح ہو گیا تا جدارے صداقت بیٹے نو رخصت فرما لگے نے ندیم بھائی جدو رخصت کرن لگے نے اکھاں وچوں آنسواں دی لڑی جاری ہے رو رہے نے اونوں پوچھو جن نے اپنی بیٹی نو گھروں ودیا کیتا ہے جڈا وی ڈاڈے دل دا باپ ہوے ایک واری اپنے بھائی دے گلے لگ کے رو پیندے تینوں ودیا کرن لگے آو بڑیاں بڑیاں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے پھر اس بیٹی نو پوچھو جڑی بابل دا بیڑا چھوڑ کے ٹری ہوے تھوڑی دور چلے پلٹ کے آؤندی ہے بابل دے سینے نال لگدی ہے باپ وی رو رہے ہوندے بیٹی وی رو رہی ہوندی ہے پوچھیا جائے تو اج بابل دے سینے نال کیوں لگی ہے وہ بھی کہندی ہے کی دسا مصطفیٰ کریم نے زارا بتول سینے دے نال لایا اج میں بھی زارا دی سنت سمجھ کے بابل دے سینے نال لگ رہی آ اللہ دی قسم جڑے ویلے بابل دے سینے نال بیٹی لگ رہی ہے تی وی رو رہی ہوندی ہے باپ وی رو رہے ہوندے میاں صاحب نے آکھے دیاں لئی او پردے کسے بیٹی دا نکاح ہوئے تے بیٹی نو رخصت کیتا جائے بیٹی وی رو رہی ہوندی ہے بابل وی آنسو بہار آئے پھر جس تھی دانا عائشہ صدیقہ ہوئے جس باپ دانا ابو بکر صدیق ہوئے آکھے آ بابا تواڈی چاہت سی تواڈی تھی دا نکاح نبی پاک دے نال ہو جائے کملے والے دے نال نکاح میرا ہو گئے بابا ہن بھی رو رہے ہو فرمایا بیٹی اے خوشی دے آنسو نے میرے گھروں نکلن لگی ہیں تے حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی بڑھ کے نکلن لگی ہیں جدو ادھروں نکلے گی نبی دے ویلے وچوں وٹے ویلے آئے گی پھر مومنہ دی ماں بن کے آئے گی مومنہ دی ماں بن کے نکلے گی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ
रफा करीम दे निकाह अंदर दूसरी की इल्तजा सी सोहनी अख मेरी होवे प्रमुख फिर गार ही गार दे विच इक रब दा यार इक रब दे यार दा यार है इन करके गोद दे विच सारे मेरे नबी दा फिर टिक टिक ला के वेख रहे ऊंची बोलो किडी कमाल आ के जिहड़ी अख मुस्तफा दा मुख वेखे दुआ करिया करो मौला मरन तो पहला कम अज कम एक बारी तो मुस्तफा की दीद हो जाए एक बारी तो मुस्तफा करीम का दीदार हो जाए सिद्दीक वेख रहे और उधरों सप डंग पिया मारदा मुफस्सरीन ने लिखे है मुझे भी लिखे कि सप नबी का आशक से अच्छा जी मैनू दसो सप भी आशक है अबू बकर भी आशक है कदी आशका ने भी आशका नू डंग मारे ने बोलो तो सही यार कदी आशक भी आशका नू डंग मार दें यार भी यारा नू डंग मार दें बस उन्हें अबू बकर सिद्दीक दे सूफिया दी जुबाने चाखा दे पैरा नू चुमे चुम के आखिया जे नबी दी दीद करनी जे ना फिर पैर चुमने पैणे जे नबी दी दीद करनी है सिद्दीक दे पैरा नू बोसा देना पैणा वेख रहे ने ते वेखी जा रहे इजाजत होवे मैं शोर कोट दे ताजदार दे पैर ना फड़ा देर बाद पढ़न लगा ताकि लोया पूरा गर्म हो गए फिर मैं अपने मुर्शिद करीम दा कलाम पढ़ा तक रे आओ आरफा दे सुल्तान सुल्तान उल आरिफीन बुरहान उल वासिलीन उम्दतुस सालिहीन कुतबुल मुकम्मलीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ते इस अंदाज नु सुनना कि तेरी मेरी अख भी नबी दे मुख ते लगी होवे इंडिया दे होए तन मेरा ए तन मेरा ओ चशे बाहू मोर सिंह दीदार ओ मोर सिंह दीदार
दुआ करना है मेरे मौला जड़ा उचिया आवाज नाल पड़े जद मौत वेला आ जाए अखां दे सामने सूरते मुहम्मद हो आ जाए फिर उदो भी वेखे वेखे आखे और शेद दाते दार है बा हो मर दे दार है बा हो मर दे अरे है बा हो मर दे दार है बा हो मर दे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ते फिर ओ जिन्नू मेरा नबी खैरु ताबईन आखे सैयदु ताबईन आखे हजरत ख्वाजा वैसे करनी मुरादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दी मैं दो बात अर्ज करके इंशाल्लाह तो कला मैं अपनी बात रिवाइंड अप कर देना है थकते तुसी गए हो वेखो इहदे च कड़ी गल मैं थक गया फोलो ना सुभान अल्लाह तकरीबन डेढ़ घंटे तो टाइम अब हो गया और पहले असल मैनूं पर्ची मिली सी कि ख्वाजा साहब मौजूद रहन दिओ ते हुण मैनूं फिर हुक्म हो गया कि एक दो गल जरूर ख्वाजा वैसे करनी पकदी करो तवज्जो नाल समाज फरमाओ हजरत ख्वाजा वैसे करनी رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین سید التابعین نبی نال عشق لگ گیا آن ڈٹھے ہیں آن ڈٹھے ہیں بس دل نبی نو دے بیٹھے ایک دن نام می جی نو کہنے لگی امی جی تسی تے نبی نہیں آؤ تے میں نو اجازت دیو تے میرا بڑا دل اداس ہوئے ہے میں سرکار نو ملنا آؤں हज करन बंदा व्हाट्सएप तुरिया होवे उमरा करन तुरिया होवे ते मां नाराज होवे बाप की इजाजत ना होवे अल्लाह की कसम उहदा हज ते उमरा भी अल्लाह की बारगाह च कबूल नहीं होवेगा और मैं अक्सर कोई बंदा मेरे वसीले नाल बाहू सुल्तान का मुरीद होवे मेरे हाथ बैत करे तो मैं दरसे कुरान च भी मैं पिछे बंदे बैत होए तो मैं उन्होंने आखिया मैं ख्या अल्लाह की कसम जड़ा मापियां दा आदब नहीं जड़ा मापियां दा बेअदब है वो पीर को कख नहीं लै सकता पीर ते पीर रह गया और रब दे हबीब को कख नहीं लै सकता रब दा हबीब वराउल वरा जात मेरे आका दी वो अल्लाह को भी बंदा कख नहीं लै सकता जिदी मां नाराज है जिदा बाबा नाराज है ऐ हाथ जोड़ के अर्ज करना जिन्हां दे मापे नाराज ने महफिल विच बैठे हो जिहड़ा बंदा अपने आप नूं आप नहीं बदलदा अल्लाह भी उहदा मुकद्दर नहीं बदलदा जिहदी मां नाराज है जिहदा बाप नाराज है अज ही जाके मापियां दे पैर फड़ लो इधरों मापे राजी होए उधरों मुस्तफा दा परवरदिगार राजी हो जाएगा
और मेरा दिल कर दे इस वेले में दुआ करा साडा बेटा मोहम्मद अब्दुल वहीद बट रब्बुल आलमीन इनु भी मुस्तफा दे मिलाद दा सदका बेटे जैसी मिठी नेमत अता फरमा मिठा मेवा ये अता फरमा पुत्र मांग के ले जांदे ने तियां अल्लाह मुकद्दर वाले नु अता करदा है। अम्मी जी इजाजत दियो ते मैं चला जावां ते मां ने आख्या पुत्रा तू कल्ला कल्ला मेरा पुत्र है तू चला जाएगा। मां नु भी पता सी इन्नी मुहब्बत करदे ने जिस वेले नबी पाक नु वेख्या गश खा के जमीन ते जा पाएगा आख्या पुत्रा अठ पैर ने तेरे कोल किन्ने पैर ने अठ चार जांदे लगने ने ते चार आंदे जे नबी पाक मिल पे ते फिर मिल के आ जे जे नबी घर ना होए ते फिर इंतजार ना करी तेरी मां उड़ीकदी है पई तेरी मां उड़ीकदी है पई। हजरत खाजा वैसे करनी अपनी इजाजत ले ली दौड़ा ला दिया बस इस शौक बिच दौड़ ला रहे ने मैं मदीने चला अज पंद्रहवीं सदी जा रही है ओनू पुछो जड़ा उमरा करन जाए या हज करन जाए तुरया आउंदे बल्कि जदों मक्के तो मदीने नू सवारी तुर पे लिखया आउंदे मदीना 40 किलोमीटर रह गए सवारी चली जा रही है लिखिया मिल दे मदीनतुल मुनव्वरा 14 किलोमीटर रह गए सवारी चलनी जा रही है लिखिया मिल दे मदीनतुल मुनव्वरा 12 किलोमीटर रह गए गड्डी चलनी जा रही है आशका दे दिल दी धड़कन तेज हो गई लिखिया मिल दे मदीना 5 किलोमीटर रह गए जनाबे वाला जदो कोई मदीने जान ले ते पीछे रह जान वाले दुआवा कर देने ते रोल देने ते खेल देने कमली वाले आ कदी सानू भी मदीने बुलाएगा ते कहने तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहन वालिया तेरे रोजे सौ सौ तर ले मदीने विच रहने वाले तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने मैनु सदी सोने रो रो अरजा सुना वा मैं मदीने विच रहने वाले हो सकता है मैं 2-2.5 घंटे बयान करा मेरे अंसू मेरे नबी दी बारगे च कबूल ना हो पता नहीं केड़ा इत्थे जवान बैठा है जिदे अंसू मेरे नबी दी बारगे च कबूल हो जाए पता नहीं केड़ा बच्चा बैठा है जिदे लबा विचों निकलने मेरे नबी ने कबूल कर लेना पता नहीं केड़ा चिट्टी दड़ी वाला बाबा बैठा है जिन्हें हौका भरना
ते मेरे नबी ने मेहरबानी कर देनी कबूलियत दा वेला अद्धी राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाजा अखां बंद करके हाथ जोड़ के मदीने दा तसव्वुर लैके हौका मारो पता नहीं हौका तुहाडा होवे हाजरी मेरी भी हो जाए तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहन वाले तेरे रोजे तेरे बुलाया बन दिए तेरे रोजे ते आवा मैं तेरे रोजे कहाँ का मंसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत वो गी मदीने को जा रहे आका जिने बुला रहे हैं तेरे रोजे सोनिया तेरे रोजे ते आवा मदीने मेनो सदे सोनिया कमली वाले जिना बाबियां दी अखां विचों अंतरू आ गए ने जिहड़े जवान रो रहे ने कमली वाले इना जवाना दे आंसुआ दा वास्ते इना बाबिया दी आंखों दा री दा वास्ते कमले वाले या बुला ले या जा रात नू ख्वाब विच आ जा ए जिमे मेरे भाई ने आंसू इंज करके चेहरे ते मले ने ना अखां दा वजू होवे इन्हां नूं चादरां नाल साफ ना करो रुमालां नाल साफ ना करो खुदा दी कसम अगर अज़ाए वजू मेरे नबी पाक दी हदीस महशर दे मैदान विच जिथे जिथे वजू दा पानी लगदा है ओह अज़ाद चमकणगे ते जिहदी अखां दा वजू हो जाए एक कतरा ते आंसू अपने चेहरियां ते मल लो मरण तो बाद भी तेरा चेहरा दसेगा मुहम्मद दा गुलाम मुस्तफा दी ज़ियारत वास्ते कब्रे जा रहे हैं
حضرت محترم کیڑے حوصلے نال میں بات نو عرض کراں خواجہ ویسے کرنی چلن مدینے نبی پاک دی دید واسطے تے امام مالک تے فرماندے نے جڑا بندہ مصطفی کریم دی قبر دی زیارت کر کے آئے ہوئے نا سمجھے قبر دی زیارت کیتی سمجھے میں مصطفی نو مل کے آیا مصطفی نو حضرت خواجہ ویسے کرنی اپنے دوڑ لائی ہوئی ہے اج میں اپنے آقا دی دید کراں گا جناب محمد مدوس ستار بڑھ صاحب جڑا مدینے نو جان لگیا پاس پوڑ جمع کروائے او دی ٹور دس دیئے پوچھے آ جائے کی بڑے ناز نال چل رہے کہندا کی پوچھ دیو میں مدینے چلا مصطفیٰ نے مینو بلا لے آئے حضرت خواجہ ویسے کرنے جا رہے نے نبی دی بار گئے آلیاں دے اندر مدینے جا رہے نے جدو مدینے پاک آئے پیراں وچ کھڑا وی کوئی نہیں ایسو بھی خالد سلطانی میرے نال اساں وی مدینے پاک اپنے پیراں وچ جُتی نہیں پائی ایک ویلا ایسا وی آیا جدو پیر سڑے جلدی نال جُتی پا لئی او میں کہیا عاشقو تواڈیاں وی کیا یاداں والے حضرت خواجہ ویسے کرنی جدو مدینے طیبہ آئے نے دیواراں دے نال نال چل دینے پے دیواراں دے نال انہاں دا لباس رگڑیا جا رہے کسے پوچھیا او دیوانے آ او کی ہو گئے دیواراں دے نال چلنے پیا آکھیا میں دیوانہ وی کوئی آمنے میں دیوانہ ہوں اپنے مصطفیٰ کا دنیا کی پروانگی ہے میں دیوانہ ہوں اپنے مصطفیٰ کا دنیا کی پروانگی ہے حضرت زید شاہ حضرت خواجہ ویسے کرنی آپ نے کھڑاوا بھی اتار لیا نے دیواراں دے نال لو کے چل رہے جتھے میرے نبی دے قدم لگے نے اوتھے کتے اویس دا پیر نہ آ جائے جس ویلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے گھر پہنچے نے حضرت عائشہ صدیقہ دے کول گئے دستک دیتی اندروں آواز آئی کون ہے آکھیا میں نبی دا نوکر ہوں خواجہ ویسے کرنی آیا کیویں آئے ہو میں نبی پاک نو ملن آیا اس بندے نو پوچھ جڑا مسجد نبوی دے وچ ہوے تے نیند آ جائے تے رمضان دا مہینہ ہوے تے بالکل حضور دی پشت نظر آ جائے این ویلا ہوے کہ حضور رخ موڑ کے تے دید کروان لگن تے نو جاگ آ جائے او دے سینے تے کی بیتدی اجازت ہوے تے کھڑی دے تاجدار دے پیر نہ پھڑا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آ فرماندے نے سفنے دے وچ سفنے دے وچ او میرا ماہی
सुफने दे विच ओ मेरा माही मिले बड़ी दूरों आया नबी नू मिलने अंदरों रूहानी मां दी बापर दा आवाज आई नबी ते घर कोई नहीं आशक दिया चीखा निकल गई चीख मार गए कहंदे मदीने वाले आ बड़ी दूर होया लजपाला मैनू मिलया नहीं आखिया अम्मी जी ए रूहानी अम्मा जा अगर इजाजत हो जिते नबी लेट देने जिते नबी बंदे ने मैं उस जगह की ज़ियारत कर लवा अम्मी दी आयशा सदीका परदे दी हालत विच आ गई अंदर चलिया गई हुण दीवाना आया आप अंदर दाखल होए नबी दे बिस्तरे नूं चुम देने नाले सुंघ देने चक्कर लाले कदी बिस्तर नो चुम दे कदी मथे नाल लांदे कदी सीने नाल लांदे जिन्हों छड़न से दिल ना करे ते छड़ना भी होवे बंदा इको वारी इंज करके छुटक के निकल दे इको वारी छोड़ के निकले रोपे लगिया वाले कदी चुप नहीं जे करे दे लगिया कदी चुप नहीं जे करे तुर जावने ओ महबूब बदला दे ते ओ जावन केड़े पासे हजरत खाजा वैसे करनी दौड़ लाई तो मुड़ मुड़ के ना ते मदीनों दे दरों दीवार नू वेखन अपनी मां दे ना दसिया
जिन्हें मदीना पाक हाजरी दी मैनु गुनाकार नु ते सरकार मेहरबानी कर दिन साले चेक करे बिलियो सफर करना होवे ना ते मदीने आया जाया करो आशक जदों बैतुल्ला शरीफ ते पहली नजर पैंदी है ना उंदे ते कप कपी तारी हो जांदा रूह तारी हो जांदा रोंदा ते जदों मदीने पाक तो वापसी निकलना होवे ना अलविदाई सलाम करना होवे ते फिर जदों अब्दुल सत्तार बट साहब निकलदा है ते मदीने दे ताजदार दे गुंबद खजरा वल वेख के कहंदा सुने फिर बुलावे इस उम्मीद ते चलना लग पाला फिर बुलावे अज सबज गुंबद दुआ करे ना सबद गुंबद वाले मलोर दुआ करे ना जब जाने लबों पर हो दीदारे अता करे हजरत ख्वाजा वैसे करनी मुड़ मुड़ के मदीने दे दरो दीवार नु तक दिन जदो चले गए ना मेरे नबी तशरीफ ले आए कि हुजूर फरमाया आयशा जी आका जी फरमाया कोई आया सी हाय हाय कोई आया सी जड़ा नबी तेरी मेरी जान नालों नेड़े वे उस नबी नु माजल्ला कोई भलेख है बस कोई आया सी जी सोने एक वैस नामी आया सी ते जांदिया जांदिया कह गया मुस्तफा मेरा सलाम दे दिया हुजूर ने सियाबा नु टोरिया लेकिन ख्वाजा वैसे करनी मां दा अदब कर दिया होया वापिस चले गए बड़ा खुश नसीब है जिते ते मां हयात है बड़ा खुश नसीब है जिते ते बाप दसाया मौजूद है उन पूछो जिदे कुल मां कोई नहीं उन पूछो जिदे कुल बाबा कोई नहीं असा ईद दे दिहाड़े बंदे रोंदे वेखे शादी दे दिहाड़े असा नौजवानां नूं रोंदियां वेखे गाने बजे ने इमामा पाए पगड़ी पाई सवारी ते बैल लगदा लाड़ा ते रो पैंदा है उन्हूं यार आंदे ने तेरा ते शादी दा मौका क्यों रोया है कहंदा अज कदी मेरी मां ही हुंदी ना अज मैनू वेख के कहंदी पुत्रा लाड़ा बन के बड़ा सोहना पिया लगना अज कदी मेरा बाप हुंदा ना वो अज वेख के कहंदा पुत्रा दूल्हा बन के बड़ा प्यारा पिया लगना मां वरगी दुनिया ते ठंडी छा अल्लाह दी कसम तू जीवारी माने लबदी मां वरगी दुनिया ते ठंडी मां दी जाके ज़ियारत कीती मां ने आखे पुत्रा मेला है आखे अम्मी जी तुस आखे असी अठा पैरां दे विच विच आ जाई अम्मा जी मैं तुहाडे अदब नूं मलहू दे खातर रखदे हां चार पैर जांदे लगे ते चार पैर आउंदे लगे मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी
दीद ने की आ गए ते रो रहे मां ने लाया सीने दर नाल नबी नहीं सी ना सीने नाल ला के आख्या पुत्रा तू कला कला मेरा ते वेख ले जे मां दा अदब कीता ही ना सारा जग खुदा वल वेखेगा खुदा मुस्तफा वल वेखेगा तेरी मां दी दवाई मुस्तफा तेरे वल वेखेगा तेरे वल वेखेगा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम आप जदों कैदी बने ना ते इंज करके बाजू बदले सवारी ते बैठे ते अगे अम्मा रकील दी आ गई कमर ए छोटे छोटे बच्चे यार इन्हां दे अंसु जारी ने हजरत यूसुफ दा भी बचपन इंज करके ना भाई करामत बजे ते अम्मा रकील दी कमर आई ते मालिक अपने जखर नूं कहंदे मेरे हाथ खोल हो सके किते नस ना जाई अगे तेरे भरावां आखे तू नस जाने आख्या मैं नसन नहीं लगा मेरी मां दी कबर है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मां दी कबर दे कोल खड़े होए रोन लग पे कहंदे अम्मी जी मेरे रदाई परावां ने बड़ा मारे वीर वीरा दे ओ दुश्मन होंदे ओए मावां ठंडियां चावां बाप मरे ओ सिर नंगा कौन करे रखवाले आशकां दी लिस्ट बड़ी लंबी है मेरे नबी दे गुलामों ए जड़े आंसू ने ए तेरे मेरे दाया नहीं जान गए बिलखसूस छोटे छोटे बच्चियां दे आंसू जिन्हां नूं असीं मासूम मानने आ अगरचे मासूम दी डेफिनेशन है वे मासूम होवे जिदे नेड़े गुनाह ना आवे ये छोटे छोटे बच्चे इन्हां नूं की पता है लेकिन ये भी शुक्रिया अदा करने आ बरादरां दा और मैं दुआ करना रब्बुल आलमीन अब्दुल सत्तार भट्ट साहिब साहबजादे मुहम्मद अब्दुल वहीद भट्ट साहिब इन्हां नूं नूरानी औलाद अता फरमा नूरीना औलाद अता फरमा रब्बुल आलमीन साडी पनीरी है छोटे छोटे बच्चे निके निके बच्चे माशाल्लाह भाई मुहम्मद राशिद साहब भाई आबस साहब अल्लाह सारे सलामत राशिद साहब वाल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इब्राहिम की दुआ का सदका नेक पुत्र अता करे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बार गई दुआ गो हाँ मालिक कायनात तुहाडे और मेरे हाल ते रहम फरमाए मैं बड़ा वक्त लै गया तकरीबन मैं दो घंटे तो टाइम अबव लै गया मैं माधर खां हाँ जितनी देर भी रहे हाँ मुस्तफ़ा करीम दियाँ बातें करते रहे हैं और यकीनन मैं अल्लाह दे हुजूर दुआ गो हाँ रब्बुल आलमीन हर साल दी तरह ए मुस्तफ़ा करीम दी महफिल सजा दे रब्बुल आलमीन तू इन्हां दे मुकद्दरां नूं सजा दे और जिन्हां दे वेड़े दे अंदर औलाद जैसी नेमत नहीं मौला उन्हां नूं औलाद नूरीना अता फरमा भाई मुहम्मद इम्तियाज सुल्तानी साहिब मुहम्मद आबस साहिब मुहम्मद राशिद साहिब मुहम्मद अब्दुल वहीद भट्ट साहिब जनाब मुहम्मद अब्दुल सत्तार भट्ट साहिब गली नंबर 3 दे अंदर चौं यारां दी मुहब्बत लै के पंज तन पाक दी उल्फत लै के हुजूर दे मिलाद दा ये जश्न मनांदे रब्बुल आलमीन मेरियां बाईयां भैणां भी पर्दे दी हालत समात कर रहियां जिहड़ियां बेटियां
चिश्तियां दे वास्ते घरां विच बैठियां बेहतर सबाब पैदा फरमा और जिहड़ियां अपने अपने घरां विच ने उन्हां नूं सुख चैन वाली जिंदगी अता फरमा और रब्बुल आलमीन मेरे बाबा जी हुजूर मुरब्बी व मुहसिनी व मुर्शदी सुल्तान उल वाइदीन अल्लामा पीर मोहम्मद मुश्ताक सुल्तानी साहब दा साया तादेर अहले सुन्नत कैमोदम फरमा मोहम्मद इकराम कादरी साहब इन्हां दी पूरी टीम नूं सलामत फरमा वस्सलाम व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।